सलाम नमस्कार, मैं नम जाहिद और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज। आइए नजर डालते हैं 10 फटाफट खबरों पे। लखनऊ के ठाकुरगंज में नोवा अस्पताल के संचालक ने खुद को गोली मार ली। गंभीर हालत में उन्हें केजीएमयू के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। हालत नाजुक बताई जा रही है। घर वाले उनके कमरे में पहुंचे तो डॉक्टर मनीष बेड पर खून से लथपथ पड़े थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चीते का एक वीडियो शेयर करते हुए तंज कसा और कहा, सबको इंतजार था दहाड़ का, पर ये तो निकला बिल्ली मौसी के परिवार का। अदालत में पेश नहीं हुए सपा विधायक आजम खां। दूसरे मामले में गवाह के ना पहुंचने के कारण नहीं हुई सुनवाई। मामले की सुनवाई एमपी एमएलए की स्पेशल कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल में चल रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार को फिर घेरा है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक अवकाश निरस्त करके भाजपा सरकार ने विश्वकर्मा समाज का अपमान किया है। यह सरकार पिछड़ों की घोर विरोधी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। ऐसे में प्रयागराज के भी भाजपा नेता पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अपने नेता का धूमधाम से जन्मदिन मनाया है। कहीं रक्तदान शिविर आयोजित हुआ तो आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के बीच केक काटा गया। प्रतापगढ़ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि दोनों को तुष्टिकरण की बीमारी हो गई है। हम विकास करते हैं तो उन्हें तुष्टिकरण दिखाई देता है। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी के लिए मंगल कामना के साथ मां गंगा का दुग्धाभिषेक किया गया है। इसके साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की ओर से विविध आयोजन किया जा रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव पूरी रणनीति के साथ लड़ेगी और सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान मऊ में भड़काऊ भाषण देने के मामले में एसीजेएम एमपी एमएलए कोच श्वेता चौधरी ने शुक्रवार को सदर विधायक अब्बास अंसारी व उसके भाई उमर अंसारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। चंदौली के देढ़ावाल चौकी के समीप उकनीवीरम राय गांव के पास शनिवार को हार्ट मिक्स प्लांट की पाइपलाइन में लीकेज होने के कारण दो ड्रमर में आग लग गई। लपटों को देखकर काम कर रहे कर्मचारियों ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट्स बॉक्स में अपना राय दे। जुड़े रहे और देखते रहे 24 तक न्यूज। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।